देख लो भाई, रेतों के बीच से हम लोग जा रहे हैं विलेज ट्रेल के लिए। देख लो भाई, विलेज सफारी करने का नतीजा। वॉकिंग आना चाहता था खम्मा के लिए। आजा छोटू, छोटू आजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और देख लो, आज है हमारा डे 3 इस जैसलमेर के कारवा रिजॉर्ट में। अभी तक हम लोग 2 दिन रुक चुके हैं, पता ही नहीं चला कब 2 दिन निकल गया अपना। वैसा तो व्लॉग है, अपने पास सब कुछ रिकॉर्डेड है। एक व्लॉगर होने का बेनिफिट क्या होता है ना, हम लोग जो अपना मेमोरीज है, जो अच्छा टाइम है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको बाद में भी देख सकते हैं कि हाँ यार मैं वहाँ गया था एक बार। जब विंटर का शुरुआत होने से पहले मैं एक बार वहाँ गया था, वो सब कुछ हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। और विंटर से याद आया मुझे, कल रात में जो ठंड हो गया था ना यहाँ पे, मेरे को लग रहा था कि कहीं मतलब ये ठंड वाला मौसम तो नहीं आ गया ना, हमारे कोलकाता में लास्ट उतना ठंड जाता है भाई। नॉर्मल जो सबसे ज्यादा ठंड होता है ना, कल रात में यहाँ वैसा ठंड था, सोच लो। तो फिलहाल अभी वैसे सुबह का शुरुआत हुआ है लाल चाय के साथ, वैसे अपना चाय भी आ रहा है, लेकिन अब सुबह सुबह उठ गया था ना, फ्रेश हो गया हूँ, एक बढ़िया चाय चाहिए था। वैसे आज मॉर्निंग का शुरुआत तो हो गया एकदम सुबह सुबह। और आज का वैसे हमारा जो सारा इटनरी है ना, अभी तक मुझे इतना ही पता है कि सुबह सुबह अभी हमारा विलेज ट्रेल होगा, किसी गांव में हम लोग जाएंगे, लाइक यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दिखाएंगे। और एक बार कैमरा घुमा दो, माहौल दिखा दो एक बार लोगों को। माहौल तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। तो यहाँ पे तो मैं अपना चाय एंजॉय कर ही रहा हूँ, वहाँ पे सौरभ भाई भी उठ गए, देख लो भाई सभी अभी सुबह उठ गए और भाई आज जा भी रहे हैं भाई, मतलब एक रात का बात था यार, एक रात के लिए रुक जाते हैं। दिल्ली में मीटिंग है, जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई। अब देखो ऑफिस काम के लिए कुछ बोल नहीं सकते भाई। सबको गुड मॉर्निंग, संदीप भाई गुड मॉर्निंग, बाकी अपना श्रेयांश भाई भी आ रहा है बाहर, सबको आ रहा है। लवली वहाँ पे शायद व्लॉग कर रही है, और ऊपर से बढ़िया अभी सनराइज भी हो गया, हम लोगों ने आज अपने रिजॉर्ट से ही सनराइज एंजॉय किया टेंट से। तो देख लो भाई, यहाँ पे सुबह सुबह आ चुका है अपना चाय, इसके बिना तो दिन शुरुआत करना मतलब पाप है, नदी किनारे सांप है। तो चाय आ चुका है अपना, चाय एंजॉय करते हैं, फिर अपना कार भी रेडी है तो निकलते हैं। कार है या जिप्सी है पता नहीं मेरे को, देखते हैं। वैसा तो हमारा प्लान था कि पहले जाएंगे विलेज ट्रेल के लिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा प्लान हो गया चेंज। अभी टाइम देख लो, सुबह का 8:55 हो रहा है, अभी हमारा ब्रेकफास्ट सेटअप यहाँ पे रेडी है, सब बैठ गए हैं एकदम मस्त पेड़ के नीचे। अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट तो एंजॉय कर ही रहे हैं। सत्या भाई ट्राई किया कुछ? अभी तक नहीं किया। इनका ये छोला पूरी ट्राई करना भाई, क्या बढ़िया बनाया है यार, देख के ही लग रहा है भाई बहुत अच्छा बना है। तो देख लो आज हमारा वैसे ब्रेकफास्ट का लोकेशन भी चेंज है, और ऊपर में देख लो यहाँ पे ड्रोन शॉट भी लिया जा रहा है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो में जितना भी ड्रोन शॉट सब देखा है ना, क्रेडिट गोज टू हमारे संदीप भाई को। संदीप भाई एक बार आया, हेलो कर दो यार कैमरा, ये मेहनत है उसके पीछे, बाकी ऊपर ड्रोन है। तो देख लो जी, ब्रेकफास्ट में इतना टाइम लग गया ना, अभी टाइम देख लो एक बार, 10 बजने को आ रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं विलेज ट्रेल के लिए। बाकी हम लोग को अकेले नहीं है, सब एक ही जिप्सी में आ गए हैं। देख लो भाई, रेतों के बीच से हम लोग जा रहे हैं विलेज ट्रेल के लिए। देख लो भाई, विलेज सफारी करने का नतीजा। वॉकिंग आना चाहता था ना, थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे, झाड़ में चला गया। तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे थे ना विलेज ट्रेल के लिए, हमें रास्ते में स्नेक दिखा, श्रेयांश भाई देख के। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग आ गए हैं विलेज ट्रेल के लिए। कारवा वालों ने ही देख लो यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट, उनका एक कस्टमाइज मारुति है और यहाँ पे भैया हमें लेकर आए, हलीम भाई। तो हलीम भाई का कल आपने करते हुए देखा ही था, टायर ही उठा दिया था भैया ने पूरा, क्या बढ़िया। बाकी चलो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे कुआं भी है गाँव का भाई। तो देखा आपने कुआं, हाथों से बनाया हुआ सर, मतलब इतना अंदर कैसे आप देख लो, कैसे बनाया हुआ, अंदर जाना इतना खोदना, मिशन मिशन कुछ नहीं, हाथ से खोदा गया। देख लो भाई, पानी निकालने के लिए इतना मेहनत, पानी ठंडा भी है भाई। ये है भाई प्रॉपर राजस्थान, अगर आप राजस्थान आ रहे हो, जैसलमेर नहीं है, कारवा रिजॉर्ट में स्टे नहीं किए तो जैसलमेर आए क्यों। Thank you.
यहाँ से तो पानी निकल रहा है कुएं से। ये टैंकर है, गांव तक ले जाते हो क्या? कितना दूर है यहाँ से गांव? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। तो ये देख लो भेड़। मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप आ रहे हो जैसलमेर तो विलेज ट्रेल जरूर करना। अच्छा, सपोर्टेड बाय रेफ ग्लोबल। लखमानों की बस्ती, मतलब इस गांव का जो नाम है लखमानों की बस्ती, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, राजस्थान। थर्ड डे हम लोगों ने काफी बढ़िया डिसीजन लिया विलेज ट्रेल का। भाई काफी कुछ देखने को मिला, कैसे ये पानी निकालते हैं, कैसे ये ऊँटों के थ्रू पानी लेकर पहुंचाते हैं अपने गांव तक। मतलब ये एरिया बोल सकते हो गांव का कुआं है। ये देखो पानी मस्त भर के, भर लिए पानी? अच्छा अभी भरोगे? ओके, वो पीने लायक है। अच्छा फाइनली इतने लंबे ड्राइव के बाद, तब से हम लोग रेत में ही चले जा रहे थे, अभी हमें दिखाया देख लो सड़क। ये देख लो केसुओं की बस्ती, डेजर्ट में कुछ इस तरीके का गांव होता है, सब कुछ एकदम सूखा सूखा सा है। तो यहाँ पे घरों में पानी आता है या फिर कुएं से निकालना पड़ता है? वो कुएं है ना, हर किसी के आगे घर के आगे कुएं से उसमें टैंकर डलवाते हैं फिर पानी निकलवाते हैं। अच्छा जी, पानी का सबसे ज्यादा दिक्कत है ना यहाँ? सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत सबसे, तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा पानी का ही दिक्कत है। फाइनली देख लो अभी हम लोग गांव के अंदर आ चुके हैं। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं, देख लो जो हमारे हलीम भाई है ना उनके गांव में। और ये वीडियो के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देख लो जैसलमेर का जो गांव होता है जो एकदम रिमोट एरिया में, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मस्त खटिया लगा हुआ है बैठने के लिए, शेल्टर है। हाथ मिला लो भाई दे। खम्मा गनी, खम्मा गनी, आ जा छोटू, छोटू आ जा। क्या नाम है? छोटू, पिंकू, पिंकी। तुम्हारा नाम छोटू, पोटू, पिंकी, पुंकू? अच्छा। देख लो हलीम भाई ने अपने घर से चाय बनवा के लाया है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। हलीम भाई ने अपने घर से चाय बनवा के लाया है क्योंकि उन्हें पता है हमें चाय कितना पसंद है। सब चाय लवर है, सब चाय लवर। तो आज का जो चाय का रिव्यू है, रिव्यू तो नहीं बोलेंगे इसको, प्यार बोलेंगे, लेकिन फिर भी लवली को कैसा चाय लगा बताना। ये जो चाय है ना, वैसे मैं बता दूं बकरी के दूध का है भाई, और क्या चाहिए। कैसा है, कुछ फर्क लगा? नॉर्मल मतलब वो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा लगा इनका। और वो देखो ऐसा ही हो भी रहा है, सब मिलकर गॉसिप भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है। चाय पे चर्चा नहीं, यही होता है ना भाई, चाय पे चर्चा। विलेज ट्रेल के बाद अभी हम लोग आ गए अपने रिजॉर्ट में, और आते ही देख लो अपना लंच, पनीर बटर चिकन सब कुछ है, मिक्स है। लंच कंप्लीट करते हैं फिर जाते हैं अपने टेंट में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाँ जी, तो लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे रूम में, और रूम में जाके ना मेरा थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह बचा हुआ था इसलिए मैं वो करने में थोड़ा बिजी हो गया, और बाकी मैक्सिमम लोग चले गए थे पूल में। बट कोई नहीं, मैं बोला पहले एडिटिंग जरूरी है क्योंकि आपको डेली वीडियो भी देना है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट काम है। वापस से भी हम लोग जा रहे हैं ड्यून्स की तरफ। अब क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं, वीडियो में बना रहा आपको पता चलेगा। सब रेडी होकर धीरे धीरे बाहर आ रहा है, कुछ उस टेंट से निकले हैं कुछ उस टेंट से, और बाकी ये जो टेंट खाली था ये भी पूरा भर चुका है। और देख लो कितना बढ़िया अभी सनसेट होने वाला है, वाह। कुछ भी बोलो, जैसलमेर में सनराइज और सनसेट देखने का मजा ना अलग ही है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ड्यून्स के तरफ। ड्यून्स के तरफ जाने से पहले
अब मैं आपको बताया था ना कि कुछ एक स्पेशल चीज आज बनने वाला है। ये वही चीज है जो आप लोगों ने बहुत सारा वीडियोस वगैरह देखा होगा। ये खासकर ऐसा ना डेजर्ट वगैरह में ही बनता है। इसमें क्या होता है, एक पूरे मटन को मिट्टी के अंदर पकाया जाता है। इसका क्या क्या प्रोसेस है A to Z मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो भी हमसे बन पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, डेजर्ट से भी मिट्टी काफी ज्यादा निकाला जा चुका है, साथ में यहाँ पे कोयला भी है। अब इसके आगे का क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले अभी जाते हैं ड्यून्स में। ड्यून्स में भी हमारा कुछ प्रोग्राम है, पहली बार ना मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं खुद कुकिंग करता हूँ इसीलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन ये तो कभी हम लोग बना भी नहीं पाएंगे, हमारे वहाँ वैसा जगह मिलना मुश्किल है। सिटी में भगा देंगे, भगा देंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया अभी हम लोग? ओके, अपना नाम बता दीजिए भैया। भानु प्रताप सिंह जी हमें लेकर जा रहे हैं आज। बहुत डेंजर तरीके से रुका हुआ है कार, देखो आ जा। अरे आराम से भाई। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस हाइटी पॉइंट पे, और यहाँ से देख लो कुछ ऐसा नजारा है, सामने की तरफ सनसेट देख लो। और ये जितने भी देख रहे हो ना सारे गेस्ट, ये सभी हमारे होटल के ही हैं, इसीलिए देख लो आज चेयर का क्वांटिटी भी ज्यादा है। बाकी ऑलरेडी अभी सनसेट हो गया है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा कहीं मिलेगा आपको? वहाँ पे चेयर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं, नीचे बैठ कर हमको पीना है भाई, हमेशा प्राइवेसी चाहिए होता है। लेकिन हाँ, एक बात बोलना पड़ेगा, कारवा वालों का ना जो अरेंजमेंट है काफी अच्छा है, वहाँ पे बकायदा चेयर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन हम लोग बोर हो गए, हम लोग बोले थोड़ा सा अलग करते हैं, साइड में बैठते हैं। देख लो, जब हम लोग गए थे ना तब सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था, कोयला वगैरह, अभी देख लो मस्त उसमें आग लग चुका है और क्या बढ़िया हीट निकल रहा है ना, मजा आ रहा है देखने में। देखो खाना खाने से ज्यादा मजा है ना उसको बनने का जो प्रोसेस होता है, मेरे को खाना बनते हुए देखना ना शुरू से ही बहुत शौक है। मतलब मम्मी भी जब पहले बनाती थी तो मैं साइड में खड़े होकर देखता था क्या क्या डाल रही है, और वही चीज अभी यहाँ भी हो रहा है। आप बना रहे हो मान सिंह जी? तो खड़मस्त बनाने के लिए ना अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी देर से स्टार्ट हो गया, ये मैं मैरिनेट देख के बता सकता हूँ कि कम से कम 1 से 2 घंटा पहले इन्होंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, जिसमें दही भी ऐड है और भी काफी कुछ है, मैं पूछ लूंगा क्या क्या है। ये जो खड़मास होता है ना ये अपने ही तेल में पकता है, काफी मतलब टाइम लगता है इसको पकने में। मैं काफी एक्साइटेड हूँ भाई इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफी तारीफ सुना है और इसका जो बनाने का तरीका है ना वो काफी अच्छा लगता है मेरे को। तो एक एक करके अभी क्या क्या प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ऑलरेडी ये मैरिनेट करके रखा हुआ है, एक बार मैं पूछ लूंगा मैरिनेशन में क्या क्या गया है। दही तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मिलाते हैं अपने सेफ जी से, सचिन जी। तो आज जो खड़मा से आप ही बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो मैरिनेशन जो है इसका, उसमें क्या क्या आपने डाला है? सर इसका मैरिनेशन में हम लोग ब्राउन ऑरन करके फिर उसको पीसते हैं, हाँ मिक्सर में पीस के फिर उसमें ऐड करते हैं, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा दही, दही थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, नटमेग को डाल दो थोड़ा सा okay. ताकि ये गल जाए। ओके okay. उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, वो बाद में कर सकते हैं बनने के बाद भी, और फिर रोटी के अंदर हम इसको पैक करेंगे। ओके okay. पैक करने के बाद में फिर इसको हम जमीन के अंदर पकाएंगे ठीक है। इसमें थोड़ा सा दो या तीन घंटे लगेंगे, मतलब अच्छे चीज को खाने में थोड़ा पकने में टाइम तो लगता ही है। और ये आपने बस दिखाने के लिए रखा है मसाला? ये मसाले इसमें हमने डाले हैं। ऑल राइट, तो ये जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाया ना ये सब कुछ ऑलरेडी इसमें जा चुका है। तो ये जो देख रहे हो ये गेहूं के आटे का रोटी है, काफी बड़े साइज का रोटी है। इसका रैप करने का तरीका ही देख लो एकदम अलग है, पहले तो रोटी के अंदर सारा मटन गया, उसके ऊपर से ये फॉइल रैप, देख लो फॉइल में अच्छे से रैप होने के बाद यह बोरे में रैप होने जा रहा है। ये भीगा हुआ है, भीगा हुआ बोरा है। ओके, पूरे अच्छे से रैप हो गया, इसमें मिट्टी जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा कुछ खाने का प्रिपरेशन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने लाइफ में, सुना हूँ वीडियोस बहुत देखा है मैंने, रील्स भी देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइव बनते हुए देख रहा हूँ। ये देख लो अभी गड्ढे में जा रहा है यहाँ पे कोयला, जला हुआ कोयला। ओहो भाई साहब, वीडियो में तो आप महसूस नहीं कर पाओगे लेकिन इसका जो गर्मी है ना यहाँ तक महसूस हो रहा है। ये गया अपना मटन, ये जिसको इसलिए है कि ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके निकालने में मिल जाए, इजीली मिल जाए, इसको खींच के आप निकाल सको। ओके
तो यहाँ पे अपना मटन तो गया ही जो कि मैरिनेट हो गया था। इतना मिट्टी जा चुका है, वो भी सारा का सारा गर्म मिट्टी है। अब इसको कितने देर तक ऐसे ही रखना है शेफ? ये सर मान लीजिए आपकी 2-3 तो 2.5 से 3 घंटे ये रहने वाला है इस गड्ढे के अंदर। तो अब एक ही बार मिलते हैं 2 से 3 घंटे बाद। अराउंड 7 बजे के आसपास ना हम लोगों ने ये सब कुछ कवर अप किया था। अराउंड 3 घंटे बाद अभी हम लोग आ रहे हैं, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। कुछ बढ़िया खाने मिलेगा ना आज। अभी देख लो धीरे धीरे करके रेत बाहर निकाला जा रहा है। देख लो बोरे को ना पूरे अच्छे से खोल दिया गया है। अब ये सारा फॉइल निकाला जाएगा। ये ऊपर का जो रोटी था ना उसका कलर ही पूरा चेंज हो गया है। ये जस्ट अभी निकला है बाहर और ये मैंने ले लिया अपने प्लेट में। तो इधर निकालने देते हैं, हम लोग चले जाते साइड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ले लिया देखो खड़ मांस, जो ये है ना इसी रोटी के अंदर ये पूरा पका है। तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ इस रोटी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया मटन का जो खुद का ऑयल होता है ना उसमें पका है ये, और पूरा फ्लेवर चला गया है रोटी में। मतलब सारा जो मटन का पानी ऑयल सब कुछ इस रोटी में ही है। पहले बताओ स्पाइसी है कि नहीं है? अभी तक पता नहीं चला, लेकिन रोटी तो अच्छा लग रहा है। मटन अलग हो गया, मतलब एक अच्छा कुक होने का ये साइन है कि मटन अच्छे से कुक हुआ है। वैसे मेरे अलावा जो खड़मास है वो सौरभ भाई ने भी ट्राई किया था। सौरभ भाई क्या रिव्यू है आपका? बेसिकली वो मेरे को रोटी वाला ज़्यादा अच्छा लगा, कि जो मटन जिसमें रोटी में पका था ना उसका पूरा फ्लेवर मटन का वो पूरा फैट उसमें उतर गया था। मेरे को पीस नहीं मिला तो भी चलेगा, मैं रोटी खा लूंगा पूरा। रोटी बहुत बढ़िया था। हाँ। बिरयानी वाला वो टेक्सचर आ गया था दही के वजह से उसका। एग्जैक्टली exactly. आपका क्या रिव्यू है? आपका अभी भी चल ही रहा है ना खड़मास? क्योंकि मेरा जैसे मटन जो भी था ना वो सेंटर से निकला, तो मटन ऑलरेडी पक गया था तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये देखो मटन इतने अच्छे से कुक है, मैरिनेटेड भी है, और वो जो भी इसका टेस्ट है ना वो सही में सौरभ ने जो सही कहा कि वो रोटी में चला गया, तो बहुत अच्छा लगा। दोनों मिला के भी खा सकते हैं, अलग से भी अच्छा लगा। ओके, सो वन वर्ड रिव्यू इन कन्नड़। तुम अच्छा नहीं था। लवली कैसा लगा? तुम तो स्पाइसी खाते नहीं, छोड़ो, लेकिन फिर भी बांग्ला में एक बोल दो। असाधारण मराठ तो। एक मराठी में वन वर्ड रिव्यू। वर्ड रिव्यू इन मराठी, लय भारी। लय भारी।